भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज स्टूडियो में विश्व विख्यात सनातन सत्य कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को बताने वाले, उसका दर्शन कराने वाले, उसको जीने वाले, बचपन से जीने वाले स्वामी श्री कमलेशानंद जी आज स्टूडियो के अंदर उपस्थित हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है और ये हमारा पुण्योदय है, क्योंकि सत्संग पुण्योदय से होती है और सत्संग कराने वाला ज्ञानी पुरुष का मिलना अति दुर्लभ होता है, वह पुण्य और भाग्य का परिचायक होता है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के सरल, विनम्र, बिना किसी भी आडंबर के और सच्चा ज्ञान देने वाले, आत्म ज्ञान देने वाले स्वामी श्री कमलेशानंद जी का सभी श्रोताओं की तरफ से स्टूडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब कभी भी हम धार्मिक गुरुओं के पास में जाते हैं, और चाहे कोई भी गुरु हो, उसके अंदर त्याग की बात ज्यादा बताई जाती है, क्योंकि भारतवर्ष की जो हमारी धार्मिक परंपरा है, उसमें त्याग को महत्व दिया गया और त्याग को ही नमन किया जाता है किसी भी संप्रदाय का साधु, क्योंकि कंचन कामिनी त्यागी होता है, इसीलिए उसको नमन किया जाता है त्याग को। और जैन धर्म में तो ये कहा गया है कि त्याग ही धर्म है, त्याग ही मुक्ति का मार्ग है, त्याग ही धर्म होने के कारण वो आत्मशुद्धि का साधन है, और ये इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसको कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा जो है, एक सिद्धांत रूप के अंदर प्रस्तुत किया जाता है हर कदम के ऊपर। तो अध्यात्म विज्ञान इस त्याग की परंपरा, त्याग के सिद्धांत को किस रूप में देखता है, ताकि दोनों का जो है हम थोड़ा सा तुलनात्मक कहिए, समीक्षा कहिए करके और समझें इसको। तो कृपया त्याग का क्या महत्व है, वो हमारे अध्यात्म दर्शन में, आर्ट ऑफ विजन में, वो कृपया खुलासा कीजिए। ठीक। सबसे पहले सभी दर्शकों को, मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। बात सही है कि भारतवर्ष की जो परंपरा रही है, साधु संत और सन्यासियों की जो परंपरा रही है, वो वास्तव में त्याग की ही परंपरा है, और ये रिलेटिव सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। त्याग करने से कोई भी वस्तु के प्रति जो हमारा अभिप्राय होता है, इसके पीछे हमारा लगाव होता है, और इसके पीछे हमारा समय शक्ति का खर्च होता है, त्याग करने से वो नहीं होता है, तो हमारा समय बचता है। जैसे हमने परिवार का त्याग कर दिया तो परिवार का सब्जेक्ट खत्म हो गया, नौकरी धंधा का त्याग कर दिया तो नौकरी धंधे का सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो ये खत्म होने से आपको जो समय मिलता है, उसमें आप साधना कर सकते हैं। ये त्याग का इंपॉर्टेंस है। खाना कम खाओ ताकि जागृति रहे और आप साधना कर सको, पढ़ाई कर सको, संशोधन कर सको। तो ये त्याग की महिमा हमारे धार्मिक समाज में बनी हुई है, सदियों से बनी हुई है। बात सही है और अच्छी भी है, मगर त्याग शब्द जो आध्यात्म विज्ञान में, त्याग शब्द जो है, वो साधनों को, संबंधों को, सत्ता और संपत्ति को छोड़ना, ये धार्मिक सत्य और सामाजिक सत्य हो सकता है और समाज में जरूरी भी है, मगर आध्यात्म में त्याग का मतलब होता है अज्ञान का ही नाश करो। त्याग किसका करो? अज्ञान का त्याग करो, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान और कोई चीजों को त्याग करने का व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं मानती है? क्योंकि कुदरत का एक ही कानून है, शरीर भी कुदरत देगी, शरीर ले लेगी, सत्ता संपत्ति संबंध साधन कुदरत देगी, ले लेगी। जो काम कुदरत का है, वो काम हमको करने से क्या फायदा? क्योंकि कानून तो सबके लिए एक है। कोई कहता है मैं नहीं त्याग करूंगा,
तो भी सबको कंपलसरी शरीर के साथ सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। वो कुदरती कानून में किसी व्यक्ति को ऑप्शन कुदरत ने नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। जो चीज स्वयं हो रही है, देने का काम और लेने का काम दोनों कौन कर रही है? कुदरत कर रही है। तो उसमें हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारा काम कुदरत का काम नहीं है, हमारा काम है जो कुदरत काम कर रही है इसको कुदरती रचना देखना, वो हमारा काम है। हम अगर करेंगे कुदरत भी करेंगे तो फिर क्या होगा? अज्ञानता तो नहीं जाएगी, मैंने त्याग किया। तो आप देखो हमारे धर्मों के अंदर, शास्त्रों के अंदर साफ लिखा है त्यागे सो आगे। उसका मतलब क्या हुआ? आज ने आपका जो साधन संपत्ति संबंध तो थे, आपने त्याग कर दिया अहंकार से, अच्छी भावना से त्याग कर दिया, तो आपको आगे मिलेगा क्योंकि आपने त्याग किया है, आप समझो। और जब कुदरत ले लेंगी तो नहीं मिलेगा आपको, ये उनका आपका हिसाब है, दिया वो भी हिसाब और ले लिया वो भी हिसाब है, तो वो त्याग नहीं है। मगर त्याग अहंकारी गुण है, क्या है? इससे पुण्य मिलता है और नेक्स्ट भाव में पुण्य का फल भी, आज जो त्याग किया पाप मिलेगा आपको, वही आपको मिलेगा। तो त्यागे सो आगे, त्याग से मुक्ति नहीं है, मगर त्याग से बाह्य संयम हो सकता है, त्याग से बाह्य जिम्मेदारी कम हो सकती है और त्याग से साधना करने की सुविधा हो सकती है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। मगर त्याग क्या करना चाहिए अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है? तो त्याग अज्ञान का करना चाहिए। अभी लोग कहेंगे क्या सत्ता संपत्ति संबंध और साधन का त्याग नहीं करें? तो विज्ञान ये कहता है कि आपके पास त्याग करने की फ्रीडम है नहीं है, तो विज्ञान क्यों कहेगा? विज्ञान तो कहेगा तुमने फिजिकली त्याग किया है, वो भी कुदरती रचना, और अगर नहीं किया है तो भी कुदरती। तो कुदरती रचना देखना, ये हमारा पुरुषार्थ है। त्याग करना न करना ये अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है। तो क्यों ऐसा कहा कि त्याग करना न करना पुरुषार्थ नहीं है मगर कुदरती रचना देखना पुरुषार्थ है? क्योंकि कुदरती रचना देखोगे तो मैंने त्याग किया, मैंने त्याग नहीं किया, वो अज्ञान नहीं रहेगा। मगर कुदरती रचना नहीं देखोगे तो अज्ञान रहेगा, मैंने त्याग किया है, या तो मैं त्याग नहीं कर सकता, ये दोनों में कर्तापन रूपी अज्ञान रहेगा। और आध्यात्म विज्ञान में मूल बात है अज्ञान को ही नाश करना, जिसे कर्ता भाव मालिकी भाव रहे ही नहीं। तो मूल की बात है, क्या है? मूल। जो काम कुदरत का है वो काम हमारा नहीं है, पर आप करोगे तो वो आपका अहंकार है। भले है उदय कर्म मगर अहंकार करते हैं, मैं नहीं किया बस। कई लोगों को त्याग करना है नहीं कर सकते, और कई लोगों को ऐसा संजोग आता है कि छोटी उम्र में त्याग ले लेते हैं, फिर जब बड़ी सोच होती है तो उसको लगता है कि मैंने गलती कर दिया, मगर बाद में कुछ कर सकते हैं नहीं है। तो ये ऐसी बात है, और इसीलिए जो त्यागे सो आगे, आज आपने त्याग किया है तो आगे आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है अज्ञान का त्याग करो, क्योंकि अज्ञान न हम है और न हमारा है। अज्ञान का मतलब होता है जो मान्यता शरीर और शरीर के सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के साथ जुड़ी है, वो अज्ञान न हमारा था, न हमारा है और न हमारे पास रहेगा। उनका त्याग करो। जैसे मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, शरीर जो भुगतान करती है वो मैं भुगतान करूंगा, शरीर के संबंध है वो मेरे संबंध है, शरीर की संपत्ति मेरी संपत्ति है, शरीर का जन्म जीवन मृत्यु वो मेरा जन्म जीवन मृत्यु है। ये अज्ञान का त्याग कर दो ना, बाकी का काम तो कुदरत का है, तो कुदरत के काम में पड़ने की क्या जरूरत है? अगर आपको मोक्ष में जाना है, संसार में घूमना है तो अलग बात है कि कर्तापन से त्याग करो, मगर मोक्ष में जाना है तो जो भी संजोग आता है
इसको कुदरती रचना देखा तो वो त्याग ही हो गए हैं, फिर महल है या झोपड़ी है, क्योंकि ना आपने लिया है ना आपने छोड़ा है, कुदरत ने दिया कुदरत ने ले लिया, हम तो दोनों अवस्था को कुदरती रचना ही देखते हैं। अगर महल मिला तो भी कुदरती रचना, पर चला गया तो भी कुदरत, और इसलिए त्याग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हमारा काम कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना है। अभी कई लोग कहेंगे कि स्वामी जी कुदरती रचना देखने से क्या होगा, क्या मुक्ति मिल जाएगी? तो मैंने कहा अगर आप कोई भी अवस्था को जन्म से मौत तक और पांच इंद्रियों में दिखती है, ऐसी कोई भी अवस्था मेरे को बताओ कि वो कुदरती रचना है या नहीं है। जो है तो फिर देखने में क्या तकलीफ है, अगर नहीं देखोगे वही तो ज्ञान है। कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं देखते तभी तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान खड़ा हो जाता है, तभी तो रागवेद होता है, तभी तो कर्मबद्ध होता है। अगर आपने सनातन सत्य का उपयोग किया तो फिर रागवेद कैसे होंगे, कर्म कैसे बनेंगे, अज्ञान कैसे पक्का होगा? तो हमको तो अज्ञान मिटाना है। और दूसरी बात, हम ऐसा मानते हैं व्यवहार से कि अगर हम संसार में ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है, ऐसा मानते हैं। तो कुदरत ये कहती है तुम नफो नुकसान को मानने वाले कौन, जब तुम कुछ लाते नहीं हो, जब तुम कुछ ले जाते नहीं हो, तो नफा नुकसान का मतलब भी क्या है? आप आगे ले जाने वाले तो नफा नुकसान है, लाते नहीं हो ले जाते नहीं हो, बीच में मिलता है बीच में चला जाता है, उसमें नफा नुकसान क्या हुआ? आज भी मिला कल चला गया, कल मिला परसों चला गया, बस यही तो जीवन है। तो उसमें ये हमारी जो दृष्टि छोटी है और इसीलिए बड़ी बात समझ में नहीं आती है। जब आपका विजन ब्रॉड हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया की वास्तविकता कुछ अलग है और व्यवहारिकता जो हम मानते हैं वो भी बहुत अलग है, मगर हम सब व्यवहारिक दृष्टिकोण से फंसे हुए हैं डुअरशिप और ओनरशिप में। तो यही अज्ञानता हमारी दृष्टि में मिटाना, उसी को कहते त्याग। अज्ञान को मिटाओ, अज्ञान को खत्म करो, इसका नाम है त्याग। यानी मैं शरीर हूं वो मान्यता का त्याग कर दो, ये मेरे संबंध है मान्यता का त्याग कर दो, ये मेरी संपत्ति है मान्यता का त्याग कर दो, ये मेरे साधन है, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरी डिग्री है मान्यता का त्याग कर दो। साधनों संजोगों अवस्था का त्याग नहीं करना है, मैं मान्यता के त्याग की बात करता हूं। आप बिलीफ चेंज कर दो, खत्म हो गई बात। अगर बिलीफ चेंज हो गई तो आपके बिहेवियर चेंज हो गई, बिहेवियर का मतलब देखने का तरीका चेंज हो गया। अगर आपने माना है शरीर मेरा नहीं है ऐसा माना, फिर शरीर कुछ भी करेगी, मैंने किया मेरे को हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और यही तो अज्ञान निकालना है। तो अध्यात्म विज्ञान अज्ञान निकालने की बात करते हैं, अज्ञान का त्याग करने की बात करते हैं, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटाने की बात करते हैं। अध्यात्म विज्ञान मन वचन काया उनकी अवस्था को बदलने की बात नहीं करते हैं, और वैसे भी बदलने की स्वतंत्र शक्ति है नहीं। तो एनीवे अध्यात्म विज्ञान का मतलब ही है सनातन सत्य को समझो और सनातन सत्य को दृष्टि से उपयोग करो और अनुभव करो, और रिलेटिव सत्य जो लेकर आए दृष्टि के रूप में इसको इरेज कर दो। यही अध्यात्म विज्ञान का सार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे करते करते हम एक दिन ये दुनिया के सनातन सत्य को समझेंगे, क्योंकि ये मन वचन काया उनकी अवस्था दुनिया के सनातन सत्य का हिस्सा ही है। इसीलिए अगर दुनिया के सिद्धांत समझेंगे तो ये हिस्सा भी कैसे चलता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो व्यक्तिगत रूप से राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सनातन सत्य के सिद्धांत के आधार पर, अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर, अज्ञानता का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है, और सबसे बड़ी अज्ञानता है मैं और मेरा। ये जो मन वचन काया रूपी जो मेरा शरीर है, यह मैं हूं, इसका संचालक मैं हूं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता। और जब ये अज्ञानता बिलीफ में से चली जाती है तो आप एकदम अपने विजन में स्थिर हो जाते हो, दृष्टि में स्थिर हो जाते हो, और ये दृष्टि जब पक्की परिपक्व हो जाती है तो बढ़ते बढ़ते अनुभव बढ़ते बढ़ते केवल दर्शन की विस्तृति आ जाती है। तो मूल बात यह है अध्यात्म विज्ञान में कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना समझो और अपना अस्तित्व में शुद्ध आत्मा हूं। ये दो चीजों को आप विजन में बिठा दीजिए, ये अध्यात्म विज्ञान का सबसे बड़ा सिद्धांत है। स्वामी जी, अब जो आज हम चारों तरफ जो देखते हैं, धर्म गुरुओं की बात देखते हैं, धर्म गुरु कहते हैं कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो ये मंत्र है, ईश्वर है, और मेरा जिसको आप फॉर्मेट कहते हो, इसके माध्यम से ही मुक्ति मिलती है, आप यहाँ तक आओ। और उसके अंदर क्या है कि लोगों को वो आकर्षित करते रहते हैं, और उस को अगर वो दूसरे को गुरु, अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य गुरु को मानते हैं तो उसको मिथ्यात्व भी माना जाता है। देवगुरु धर्म की परिभाषा भी ऐसी बना दी है कि देव तो तीर्थंकर भगवान सबके हैं और धर्म है वो सबका एक है। जैसे जैन धर्म की बात करें, उसके सिद्धांत देख से, लेकिन जब गुरु का प्रश्न आता है, गुरु बहुत है, हरे के आचार्य अलग अलग गुरु है, गुरु धारणा करने के बाद उस गुरु की जो शिक्षा है उसके विपरीत जाना वो मिथ्यात्व ही कहलाता है। आपके दर्शन के अनुसार तो ये सारा रिलेटिव सत्य है, लेकिन फिर भी ये बहुत कहा जाता है। इसी कारण एक गुरु का कोई अन्यायी दूसरे गुरु के पास जाता नहीं है या उसकी बात को स्वीकार नहीं करता, कि वो मिथ्यात्व बन जाएगा। मिथ्यात्व बनेगा तो अभवी होगा, अभवी भव, उसके भव बढ़ जाएंगे और वो घूमता रहेगा। तो इसके बारे में अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि ये अन्य अन्य धर्म गुरुओं या अन्य अन्य संप्रदायों के अंदर ये बात बहुत ज्यादा चलती है और ये सिखाई जाती है, रटाई जाती है। कृपया थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से धर्म गुरु आत्मा की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, संजोगों का संभाव से निपटारा करने की बात करते हैं, मालिक की भाव कर्ता भाव छोड़ने की बात करते हैं, ये सब बातें तो करते हैं क्योंकि ये किताबों में है, शब्द ज्ञान के रूप में किताबों में है, तो वो अच्छी अच्छी बात करेंगे तो लोगों को भी आनंद आएगा। मगर ये जब बातें जब प्रैक्टिकल की आती है तो ये बातें उसको लक्ष्य में नहीं रहती है। हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ खोने के लिए आए हैं, या अज्ञान को मिटाने के लिए आए, क्योंकि पाना खोना वो तो हमारा विषय है ही नहीं, मगर अज्ञान को मिटाना ये तो हमारा विषय है, क्योंकि अज्ञान को ही हमने ज्ञान माना है, तो अज्ञान को मिटाना ये हमारा विषय होना चाहिए। ये दुनिया में से कुछ पाना खोना वो विषय नहीं होना चाहिए जागृत पुरुषों के लिए, क्योंकि हम परिवार से भी मुक्ति चाहते हैं, संबंधों से भी मुक्ति चाहते हैं, गुरु शिष्य से भी मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति का मतलब होता है छूटना, छोड़ना नहीं, छूटना। अगर कोई शिष्य एक जगह से दूसरी जगह गया तो तकलीफ क्या है, उनको जाना है तो जाए, इसीलिए जब वो जाता है वहां और गुरु को पसंद नहीं आता है, सबसे बड़ी बात ये होती है मालिक की भाव। हालांकि ज्ञानी भगवान तो फरमाते हैं कि ये शरीर का भी मालिक की भाव होना, तो अन्य शरीर का मैं मालिक की कैसे कर सकता हूं, मगर क्योंकि यह अज्ञानता के वश जिस प्रकार से मैं रॉन्ग बिलीफ लेकर आया हूं,
तो इस प्रकार का मैं बिहेवियर करता हूं। तो इसीलिए ये विज्ञान के अंदर जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगा वैसे वैसे आपको ख्याल आएगा कि ये विज्ञान के अंदर यहाँ कोई यहाँ आता है वहां जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसका जहां हिसाब होगा वहां ही जाएगा। इसमें अगर रिस्ट्रिक्शन करोगे तो अननेसेसरी राग द्वेष बनेगा, उनका जिम्मेदारी तुम्हारी भी होगी। तो मालिक की भाव छोड़ दो और सहज रूप से उनके संजोग क्या ले जाते जाने दो और आपके संजोग क्या लेते जाने उस देखते रहो। सभी की अवस्थाओं को कुदरती रचना देखो, आता है तो भी और जाता है तो भी। तो इसमें आपकी भी मुक्ति होगी और सामने वाले भी मुक्त रहेंगे। तो ये मुक्ति आध्यात्म विज्ञान का मार्ग मुक्ति का मार्ग है और उसी प्रकार की हमारी दृष्टि और सोच होनी चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग है आपने बताया, क्योंकि यह सनातन सत्य पर आधारित है और सनातन सत्य ये कहता है कि मेरा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है, वही मोक्ष है, और उसकी प्राप्ति करने के लिए जो बाधक तत्व है वो है अज्ञान। तो हम अज्ञान पर चोट करेंगे, अज्ञान को मिटाएंगे, अज्ञान को जीरो करेंगे, अज्ञान को डिलीट करेंगे तो वो तो शुद्ध अवस्था में चला ही जाएगा। तो मूल सब बातों का प्रश्न ये है कि अज्ञान के ऊपर करो। अज्ञान है वो मालिकी भाव, डूअरशिप ऑनरशिप है। डूअरशिप ऑनरशिप को हटाइए, इस पर चोट कीजिए, इससे अलग होइए, इसका अभ्यास कीजिए, यही मुक्ति का मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण, बड़ा आनंद आ रहा है, सत्संग आगे बढ़ रही है, आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।